इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ट्रंप का दुश्मन कौन है? डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर पहले आप जान लीजिए, जहां ट्रंप पर हमला करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग कर भागने की फिराक में था हमलावर। 58 वर्षीय रयान वर्सो रॉथ नाम के हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। मशीनरी माइंडेड नए इन्वेंशन और विचारों का ये समर्थक है, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों का पुराना समर्थक रहा है। राइफल से डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की कोशिश की गई। फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ क्लब के बाहर ये फायरिंग की वारदात जो है वो हुई। और आपको बता दें कि ट्रंप के गोल्फ खेलने के दौरान गोलीबारी हुई। और उसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने झाड़ियों से AK-47 बरामद की। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि लगातार ये जुलाई के बाद दूसरा वाक्या है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश की गई है। इससे पहले पेंसिल्वेनिया में जब डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब उन पर हमला है वो किया गया था। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन है हमलावर जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला है। सबसे पहले आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं कि आखिर किसने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला है। देखिए, ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स की पहचान हो गई है। ये तस्वीर है उस व्यक्ति की जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया है। 58 वर्षीय रयान वर्सो रॉथ नाम का हमलावर है ये जिसने ट्रंप पर हमला बोला है। इसके साथ ही साथ नॉर्थ कैरोलिना एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल स्टेट यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ाई की है। साथ ही साथ मशीनरी माइंडेड और नए इनोवेशंस का और विचारों का ये समर्थक है। और आपको बता दूं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों का ये पुराना समर्थक रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से 2019 से डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को इसने डोनेशन दिया है ये भी जानकारी जो है वो सामने आई है। 2020 में आपको बताऊं फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म एट ब्लू को इसने $140 जो है वो दान दिया था। तो वहीं 10 मार्च 2023 को सेमाफोर की रिपोर्ट के मुताबिक रॉथ को यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक केंद्र का चीफ बनाया गया था। यानी ये व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है ये समझिए। IBC यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक केंद्र एक निजी संगठन है जो वॉलंटियर्स को एम्पावर करता है। इसके साथ साथ पूरे यूक्रेन में मानवीय सहायता के लिए संगठन काम करता है और उस संगठन से जुड़ा ये व्यक्ति है। तो ट्रंप पर हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान जो है हो गई है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले पेंसिल्वेनिया में जुलाई के महीने में ट्रंप पर जो है वो हमला किया गया था। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पर ये जो लगातार हमले हो रहे हैं, अब बड़ा सवाल ये है कि ये एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि देखिए कहां कहां ट्रंप पर हमला हुआ है। देखिए अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रंप पर हमला हुआ है। फायरिंग के वक्त ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे। इसके साथ ही साथ राइफल से जो है फायरिंग की गई। रयान वर्सो रॉथ नाम के हमलावर ने फायरिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर की है। और ये दूसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला जो है वो बोला गया है। इससे पहले मैं बता रहा था आपको कि पेंसिल्वेनिया में जब वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब उन पर हमला किया गया था। उसमें तो वो बाल बाल बचे थे और गोली जो है उनके कान को छूकर निकल गई थी। लेकिन यहाँ पर जिस गोल्फ कोर्स में वो गोल्फ खेल रहे थे उसके बाहर AK-47 से फायरिंग कर दी गई। बाद में गोल्फ कोर्स की झाड़ियों में AK-47 राइफल और अन्य चीज़ें जो हैं वो बरामद की गई। अब आखिर किसके टारगेट पे ट्रंप हैं ये बड़ा सवाल है। दरअसल 13 जुलाई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार और हमला हुआ था। इसके बाद आपको बता दूं कि 30 अगस्त 2024 को उनकी रैली में एक संदिग्ध घुस गया था। फिर 15 सितंबर 2024 को गोल्फ कोर्स में फायरिंग हुई फ्लोरिडा में जहां वो गोल्फ खेल रहे थे। तो ये बड़ा सवाल इस वक्त जो है कि आखिर कौन लगातार ट्रंप को निशाना बना रहा है और डोनाल्ड ट्रंप पर हमले क्यों हो रहे हैं। अब आप इन दो तस्वीरों में देखिए डोनाल्ड ट्रंप पर कब कब हमले हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप पर हमले क्यों हो रहे हैं। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया, ये वो जगह है जहां ट्रंप चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाल बाल बचे थे, कान को छूकर गोली जो है वो निकल गई थी। और उसके बाद उनकी वो तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई जिसमें जो तमाम सुरक्षा के उनके कर्मी हैं वो उन्हें घेर कर ले जा रहे थे। और दूसरा हमला जो है वो फ्लोरिडा में हुआ है। फ्लोरिडा के गोल्फ क्लब में ट्रंप
पर हुई फायरिंग के वक्त की चार तस्वीरें भी अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर किस तरीके से। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब फ्लोरिडा में हमले की तस्वीरें जो है वो भी आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे जो है वो फ्लोरिडा में ट्रंप जब गोल्फ खेल रहे थे अपने गोल्फ कोर्स में तो उसके बाहर जो है वो ताबड़तोड़ AK-47 से फायरिंग कर दी गई। गनीमत ये रही कि ट्रंप तक हमलावर पहुंच ना पाया और वो वहां से भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद जो FBI है उसने पास के ही एक काउंटी से उसे हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जो है वो चल रही है। सवाल कायम है कि आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकते डोनाल्ड ट्रंप को बार बार इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। और ये चार तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये लब्बुलवाब है कि आखिर किस तरीके से बार बार डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया जा रहा है, उनके हत्या की साजिश जो है वो की जा रही है। इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार और साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कर्नल संजीत जी, सबसे पहले आपसे ही मैं शुरू करता हूं कि जिस तरीके से अमेरिका में राष्ट्रपति को लेकर ये जो चुनाव चल रहा है, एक तो काफ़ी हॉट चुनाव नज़र आ ही रहा है, एक तो बाइडेन ने अपना नाम पीछे खींच लिया है, उसके बाद कमला हैरिस चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन ट्रंप को जिस तरीके से बार बार टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? कर्नल जी, पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने इस शो में मुझे बुलाया है, मैं उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। स्वागत है। ये बहुत अहम सवाल है और जब भी ट्रंप के ऊपर हमला होता है तो सबसे पहला दिमाग में यही आता है कि कौन हमला कर। तो ये इसमें जो है कई अटकलें हैं, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, पर जैसा कि जिसने हमला किया रायन राउत ने जो हमला किया है उसका जो बैकग्राउंड देखे तो वो साफ जाहिर होता है कि वो डेमोक्रेट सपोर्टर है और वो डेमोक्रेट सपोर्टर होने की वजह से जो अभी डिबेट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का और कमला हैरिस का, और उसमें खबरें ये आ रही हैं कि कमला हैरिस जो है डोनाल्ड ट्रंप से बहुत आगे उनका जो है पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से रायन राउत ने ये जो है कदम उठाया है, ये एक वजह है। दूसरा, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें रायन राउत की, तो ये यूक्रेन में, जैसे आपने बताया यूक्रेन में भी गया, ये यूक्रेन में लोगों को भर्ती भी करने में इन्वॉल्व था ताकि वो रशिया के एक साथ अगेंस्ट लड़ सके। तो यूक्रेन का बहुत बड़ा, पहले तो डेमोक्रेट्स का बहुत बड़ा सपोर्टर है, कमला हैरिस से डोनाल्ड ट्रंप पीछे हो रहे हैं तो इसको फिक्र है, तो इसने जो हमला किया। नंबर दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कई दफे स्टेटमेंट दी है अपनी जो है इलेक्शन रैलियों में कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के तो वो जो है यूक्रेन को हथियार देना बंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस युद्ध को खत्म किया जाए। और ये भी अफवाह है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये आदमी जिसने हमला किया है रायन राउत ने, ये दो वजह से। सर, रिश्ता पुतिन का अच्छा है डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन समर्थन पुतिन जो है वो कमला हैरिस का करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, सवाल अब ये है कि अमेरिका जो कि विश्व का सबसे मजबूत देश खुद को बताता है, उसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर इस तरीके से दो बार हमले की कोशिश की जाती है तो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों पर भी। क्या इनपुट इस बात को लेकर पहले से नहीं रहता है? और जो थ्रेट एनालिसिस है ट्रंप को लेकर वो तो पिछले हमले के बाद और बढ़ गया होगा, तो ऐसे में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक जो है उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये जो बीच के पास जो फ्लोरिडा में हमला किया गया है उसकी कोशिश की गई है, इसको अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने प्रॉपरली हैंडल किया और इस पूरे हमले को उसने नाकाम कर दिया और जो हमलावर था उसे भी चेज करके जो SOE में भागने की कोशिश कर रहा था उसको अप्रहेंड कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है और ये जो हमला है इसको सुरक्षा एजेंसीज ने बेहतर तरीके से हैंडल किया। लेकिन जो पेंसिल्वेनिया का जो हमला था जिसमें कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए थे और यदि उन्होंने उस एन मौके पर एक फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड का भी कोई अंतर होता तो वो जो गोली है उनके सीधे सिर में लगती और ऐसे में उनका बच पाना बहुत मुश्किल होता। तो
तो ये सौभाग्य था कि पिछले हमले में वो बाल बाल बचे और वहां पर वो जो सुरक्षा एजेंसी की जो चूक है वो स्पष्ट रूप से दिखती है कि जो हमलावर है वो छत की किसी बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया और वहां पर उसने बिल्कुल निशाना साधते हुए हमला भी कर दिया। तो ये जो पिछली बार जो घटना सामने आई पेंसिल्वेनिया में पब्लिक रैली में वो निसंदेह चूक थी और उससे ऐसा लगता है कि वहां की एजेंसी ने कुछ सबक अवश्य लिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को जाहिर है कि बढ़ाया भी गया है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी कि जिस तरीके के हमले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किए करने की कोशिश चल रही है ऐसे में उनकी जो सुरक्षा को लेकर के जो सतर्कता है वो हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए क्योंकि निसंदेह वो एक रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, बेहद पॉपुलर शख्सियत है और एक बहुत ही ब्रेव और संकल्पबद्ध जो फाइट है वो इस इलेक्शन में वो दे रहे हैं और इस इलेक्शन ये बहुत ही कांटे का इलेक्शन होने जा रहा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो चुनाव होगा इसमें कुछ भी रिजल्ट आ सकता है और वे एक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो ऐसे मैं आप ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि ये साजिश करता हालांकि इसमें एक जो रायन स्वाट सर एक रिएक्शन भी सुना देते हैं इस पूरे मामले पर। आपको बताऊं जो बाइडेन का भी पोस्ट जो है वो सामने आया है और उन्होंने कहा है कि एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीक्रेट सर्विस के काम की तारीफ भी की और कहा कि सीक्रेट सर्विस के काम की तारीफ करता हूं और साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो चल रही है। तो आखिर अमेरिका में ये जो खूनी राजनीति है वो किस तरीके से लगातार कायम है अब जरा ये मैं दर्शकों को समझा देता हूँ। ये कोई पहला मामला नहीं है कि अमेरिका में किसी राष्ट्रपति पर इस तरीके से हमला जो है वो किया गया है। आपको बताऊं सबसे पहले देखिए अमेरिका में किस राष्ट्रपति पर हमला किया गया ये अगर आप जानेंगे तो 14 अप्रैल 1865 को पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 1968 में राष्ट्रपति के संभावित उम्मीदवार बॉबी कैनेडी की हत्या की गई। फिर 6 सितंबर 1901 राष्ट्रपति विलियम्स की जो है वो हत्या कर दी गई। इसके बाद आपको बताऊं नवंबर 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या जो है वो की गई थी। उसके बाद आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में जुलाई के महीने में जो है हमले की साजिश रची गई और बाल बाल बचे उस हमले में डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद ये 15 तारीख जो है वो दूसरा मौका था जब फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला किया गया। तो वहीं हमले के बाद एफबीआई का बयान भी सामने जो है वो आया है और आपको बता दूं कि फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास क्या बयान आया है एफबीआई का ये समझ ले। फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास गोलीबारी हुई है। करीब 400 से 500 गज की दूरी पर हमलावर था। ट्रंप और हमलावर की दूरी 400 से 500 गज की थी और गोल्फ कोर्स के करीब झाड़ियों में छिपा था हमलावर। अब अगर निशाना सटीक होता तो क्या परिणाम होते ये आप समझ लीजिए। हमलावर ने गोल्फ कोर्स की तरफ AK-47 को तैनात कर रखा था और तान रखी थी उसने AK-47। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने हमलावर पर जैसे उसे आइडेंटिफाई किया गोलियां चलाई। गोली चलने के बाद हमलावर वहां से भाग खड़ा हुआ SUV गाड़ी को लेकर। और उसके बाद आपको बताऊं कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की और उसे जो है पकड़ लिया। फायरिंग के वक्त गोल्फ खेल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और ये बड़ा सवाल है सुरक्षा के लिहाज से भी कि क्या इस तरीके से उस आसपास के एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया गया था ये भी एक बड़ा सवाल जो है उठता है। और राष्ट्रपति के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित है। ट्रंप पर हमले की साजिशों की जाँच जो है वो चल रही है ये FBI की तरफ से बयान में कहा गया है। तो लगातार दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं कर्नल संजीत सिरोही जी। सवाल अब ये है कि एक बार हमला होता है उसके बाद जो बेसिक प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि सुरक्षा जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई सेंध ना मार सके। तो ये तो एक बहुत बड़ी चूक के तौर पर हम देखेंगे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और FBI की कि हमलावर 400 से 500 गज की दूरी पर ही था। कर्नल जी आपका सवाल बिल्कुल जायज है और आपने जो ये कंसर्न रेज करी है बिल्कुल ठीक है। जब एक इंसान के ऊपर और जो ऑलरेडी एक उस देश का प्रेसिडेंट ऑलरेडी रह चुका है और वो दोबारा जो है इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा है एक दफ़े उनके ऊपर हमला हो गया है दूसरी दफ़े संदिग्ध आदमी उनकी रैली में पकड़ा गया है
और उसके बाद 300-400 गज से जो है उनके ऊपर फायरिंग हो रही है, वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि हर बारी बच जाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता जो दुनिया की सबसे बड़ा देश है, सबसे पावरफुल नेशन है, उनकी जो सीक्रेट सर्विस है, FBI है, उनको क्या पहले से खबर नहीं रहती है कि ये होने वाला है? नंबर वन, चलो पहले से खबर ना रहे, 400-500 मीटर कोई ज्यादा दूरी नहीं है, उस दूरी को कवर करना चाहिए। हमारे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मूव करते हैं तो 3-4 टीयर होते हैं सुरक्षा के, तो मेरे को समझ में नहीं आता 400 मीटर से इंसान, जबकि वो सबको पता है वो गोल्फ खेल रहे हैं और बाहर से वो झाड़ी में से अपनी वो निकालता है AK-47। सर वो तो निशाना अगर सटीक होता तो शायद अभी खबर कुछ और हम पढ़ रहे होते और चर्चा कुछ और कर रहे होते। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, और ये जो है ये मैं कहूंगा ये सिक्योरिटी फेलियर है, ये क्यों बार बार हो रहा है, इसकी जो है इंक्वायरी होती है लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। तो ये जो है हो सकता है बहुत बड़ी साजिश हो, इसके बारे में भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। नहीं तो ऐसा नहीं कि एक दफा हमला हुआ, दूसरी दफा हमला हुआ और हमले हो जा रहे हैं और सिक्योरिटी सर्विस को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, अमेरिका का जो एक रक्त रंजित इतिहास रहा है राष्ट्रपतियों के मामले में, जिनमें अब्राहम लिंकन से शुरू होता है और कई राष्ट्रपति जो हैं जॉन एफ कैनेडी तक हैं, कई उम्मीदवार भी राष्ट्रपति पद के, उनकी हत्या कर दी जाती है, आखिर ये वजह क्या है कि अमेरिका में इस तरीके से टारगेट जो है वो राष्ट्रपति को अभी नहीं बहुत पहले से किया जा रहा है और शुरुआत तो पहले राष्ट्रपति से थी? क्या ये विचारधारा की लड़ाई है या फिर इसके पीछे और कोई वजह है? देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो एसेसिनेशंस पहले हुए हैं, चाहे अब्राहम लिंकन का हो रहा हो या जॉन एफ कैनेडी का या मार्टिन लूथर किंग का, जो कि बहुत बड़े प्रोमिनेंट सिविल राइट लीडर्स थे, अमेरिका के महान नेता थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। इसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि देखा गया है कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो इस तरीके की साजिशों में शामिल रहा है, और ये जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं ये बहुत सीक्रेट तरीके से ऑपरेट करते हैं, ये कभी भी सामने नहीं आते और इन्वेस्टिगेशंस भी जब होती हैं तो उसमें भी तथ्य सामने नहीं आ पाते। मैं यहाँ पर अवश्य इस बात की जिक्र करना चाहूंगा कि जॉन एफ कैनेडी जो राष्ट्रपति थे उनकी जब हत्या हुई थी तो जिस हमलावर को अप्रहेंड किया गया था, जिस हमलावर को पकड़ा गया था, उसको कोर्ट की पेशी के दौरान किसी अन्य व्यक्ति ने आकर के उसकी हत्या कर दी और वो एविडेंस को समाप्त कर दिया गया। तो ये जो हमले होते हैं ये वैसे ऑन द फेस ऑफ इट ये एक आइसोलेटेड नजर आते हैं कि ये व्यक्ति था, ये यूक्रेन के वार का विरोधी था, का समर्थक था, इसलिए उसने हमला कर दिया, या पिछला वाला जो हमलावर था वो भी किसी ऐसे ही जो है स्वयं की विचारधारा से प्रभावित था, लेकिन इसके पीछे गहरी साजिश जो होती है उसको भी इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। और ये लोन वोल्फ अटैक भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं के पीछे जैसा कि अमेरिका का इतिहास रहा है उसमें बड़ी साजिश भी हो सकती है और जिसको कि लेकर के गहरी जांच की आवश्यकता है। और मैं अवश्य कहना चाहूंगा, मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आने वाले समय में भविष्य में भी बड़े हमले करने की साजिश रची जा सकती है। इसी वजह से बड़ा स्टेटमेंट है सर, ये बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो भी और अगर नहीं जीतते तो भी वो अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक ऐसा फिगर है जो कि टारगेट पर रहेंगे। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की, पूरे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की, जिसमें कि पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज सभी उसमें शामिल हैं, चाहे वो वहाँ की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस हो या फॉरेन इंटेलिजेंस CIA हो, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एक पार्टी के रिपब्लिकन पार्टी जो ग्रैंड ओल पार्टी कही जाती है उसके जो नॉमिनी को और फॉर्मर प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करें। और ये अमेरिका में यदि ऐसा कोई घटना सामने आ जाती है जिसमें कि उनकी उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो ये अमेरिका के लोकतंत्र को कमजोर करेगा, अमेरिका के ऊपर अनेक तरीके के सवालिया निशान खड़े होंगे जो कि वर्तमान समय में उठ भी रहे हैं। कि एक पहले भी जब हमला हो चुका है तो उसके बाद उनकी सिक्योरिटी की जो व्यवस्था फुल प्रूफ और हाईएस्ट लेवल की क्यों नहीं की गई और अभी तक इस तरीके की घटनाएं बार बार सामने क्यों आ रही हैं? हमलावर ये बड़ा सवाल है कर्नल संजीव जी, सवाल तो ये भी है कि आखिर ट्रंप का दुश्मन कौन है, किसको खतरा है डोनाल्ड ट्रंप से जो बार बार इस तरीके के हमलों को प्लान कर रहा है? और जैसा कि संजीव श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि अभी आगे भी फ्यूचर में थ्रेट जो है वो ट्रंप पर लगातार बरकरार है। देखिए चंद्र जी,
उन्होंने संजीव जी ने जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है और मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो कि बहुत स्टेटमेंट देता है तो बिना डर के स्टेटमेंट देता है और वो खुल के स्टेटमेंट देता है। अगर वो इसराइल की तरफ है तो इसराइल का पूरा वो स्टेटमेंट देगा। तो जैसे अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि इसराइल अपने साइज के लिए छोटा है, इसराइल का साइज बड़ा होना चाहिए। उधर यूक्रेन का उन्होंने कहा कि अगर ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई मैं आ जाता हूं तो इसको हथियार देने बंद करूंगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। उधर ताइवान का कहता है कि ताइवान को अगर सिक्योरिटी चाहिए तो ताइवान को सिक्योरिटी के लिए पैसे देने पड़ेंगे। आपको ये मानना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और जो भी बिजनेसमैन होता है वो हर चीज को पैसे से तोलता है। अभी जो उनकी स्टेटमेंट्स है, अभी आपने कहा कहां से खतरा हो सकता, मैं कहूंगा सबसे बड़ा खतरा तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है, जहां पे जो ये रायन राउत ने जो हमला किया है ये डायरेक्ट उसका जो है सपोर्टर है नंबर एक। नंबर दूसरा खतरा यूक्रेन के सपोर्टरों से है जो कि अगर ये आ गए तो यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर देंगे और यूक्रेन की जो है जिस हालत में यूक्रेन है उससे भी बदतर हालत हो जाएगी। नंबर तीसरा जो ईरान है, अभी तक ये सामने जो संजीव जी ने बात कही है कि आगे भी हमले हो सकते, ईरान ने भी कसम खाई हुई है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला करेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में उनका जो कमांडर चीफ था उसके ऊपर उसको मार दिया गया था, तभी ईरान ने कहा था कि हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर खतरा बना रहेगा, यूक्रेन सपोर्टर्स, डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स और जो है ईरान के। सर आप डेमोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, रिएक्शन भी सामने आया है डेमोक्रेट्स की, जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं कमला हैरिस और अभी उपराष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं खुश हूं कि ट्रंप सुरक्षित हैं। तो ये बड़ी खबर जरा दर्शकों को मैं बता दूं, जहां आपको बता दूं कि कमला हैरिस ने कहा है कि वो इस बात को लेकर खुश हैं कि ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और साथ ही साथ कमला हैरिस कह रही है कि अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की तरफ से। संजीव श्रीवास्तव जी, कमला हैरिस जब ये कहती है अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है तो ये क्या विरोधाभासी बयान नहीं नजर आता, क्योंकि एक देश जो कि गन कल्चर को इस तरीके से प्रमोट करता है और अब उसके खामियाजे भुगत रहा है और पास्ट में भी भुगत चुका है, तमाम राष्ट्रपतियों के नाम हमने अभी दर्शकों को बताए जो कि इसी गन कल्चर का कमोबेश शिकार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं और ये एक बड़ा मुद्दा भी है इस बार के चुनाव में। संजीव श्रीवास्तव जी, ये एक जो कमला हैरिस का जो बयान है या राष्ट्रपति बाइडेन का जो बयान है वो एक फॉर्मल बयान है, एक आइडियल बयान है कि हिंसा की जाहिर है कि किसी भी देश में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, किसी भी लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं होती है। जो रियल इश्यूज हैं, जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है, ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पॉलिटिकल वायलेंस का एक इतिहास रहा है, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो जॉन एफ कैनेडी रहे हो, मार्टिन लूथर किंग रहे हो, रोनाल्ड रीगन के ऊपर भी हमला हुआ था जिसमें वो बच गए थे, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये फिर से रिपीटेड हमले हो रहे हैं। तो ये जो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हिंसा करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो साजिश करता है, वो मौजूद हैं। और इस बात को एक्सेप्ट करते हुए, इस रियलिटी को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका का जो इनकम्बेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, कमला हैरिस स्वयं उपराष्ट्रपति है और जाहिर है कि अभी वो पूरे एस्टेब्लिशमेंट की कमांड में है, तो ये पूरे एस्टेब्लिशमेंट की अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रोटेक्शन प्रदान करें, हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन प्रदान करें, कोई अगला हमलावर इस तरीके का दुस्साहस उनके पास आने जाने का कर भी ना सके, इस तरीके की उनके पास सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में कहीं ना कहीं उसमें जो ये ढील दिखाई दे रही है वो जाहिर है कि किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार टारगेट पे है और ये स्पष्ट रूप से दिखता है। हमने देखा पेंसिल्वेनिया में तो बाल बाल बचे, उसके अलावा भी जो रिपब्लिकन पार्टी का जो कन्वेंशन था उसके पास भी कोई व्यक्ति AK-47 लेता हुआ उस कन्वेंशन में घूमता हुआ पाया गया था। और अभी इस तरीके का जब वो गोल्फ खेल रहे हैं उसके पास उनके पास कोई व्यक्ति इस तरह का पहुंच जाता है, हमलावर पहुंच जाता है, तो ये जो सुरक्षा संबंधी जो उपाय हैं वो बेहद पुख्ता कर लेने की आवश्यकता है समय रहते, क्योंकि अगर ये हमलावर लगातार कोशिश कर रहे हैं, यदि अपने अपने मंसूबों में अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो ये अमेरिका के लोकतंत्र को कमजोर करेगा, अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा जो डे ऑफ एम्बेरसमेंट होगा और ये अमेरिका में जो जाहिर है कि जो इलेक्शंस प्रोसेस चल रहा है उसको तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ऐसे में शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी आपका और कर्नल संजीत सिरोही जी आपका हमारे साथ जुड़कर इस बात को दर्शकों तक समझाने के लिए कि आखिर क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रंप पर हमला जो है वो हो रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार ट्रंप पर हमले हो रहे हैं ये इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका में विरोधी विचारधारा को लेकर किस तरीके से
रुख रहा है लोगों का और कैसे हमला जो है और एक रक्त रंजित इतिहास जो है वो अमेरिका का साफ तौर पर रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार इंडिया न्यूज़ पर जारी है, एक छोटे से ब्रेक का।